Saidnya. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। खाला जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही कर रहे जो तुम कर रहे। कल के लिए शॉपिंग कर रहे हैं हम। जी। बाबा। बाबा, मुझे प्लेलैंड में बहुत मजा आया। हम थोड़ी देर और रुक जाएं यहाँ पर। सईद मियां, ये कौन है? ये खाला, ये बेटा है मेरा। शानी बेटा, ये नानो है, इनको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चलो मारो। शानी, तुम्हें भी इसी वक्त ही आना था यार, हमेशा गलत वक्त पर आते हो यार। क्या कहा था तुमने शहजाद को? दादो, आपको बताया तो था, उनसे चाचा मुझे तंग करता है। दादो, वो अच्छे नहीं है। बेटा, इतने अरसे से उसका यहाँ आना जाना है, उसने कोई मजाक किया होगा तुमने महसूस कर लिया। नहीं दादो, वो मुझे जान जान कर छूटते है। आप उन्हें मना कर दे कि वो घर ना आया करे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? दादो, आपको बताया तो था, आप ही कहती हैं कि वो मजाक करते होंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं मना कर दूंगी, यहां नहीं आएगा। सईद कितना बड़ा मक्कार निकला, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाता रहा वो। अम्मा, हमें क्या, मैंने कौन सी उसके औलाद की जिम्मेदारी ले लेनी थी? कम से कम उसे बताना चाहिए था, इतने दिन से वो हमें धोखा दे रहा था। अम्मा, क्यों अपना खून जला रही हो? एक बात बताओ, कौन है जिसने धोखा नहीं दिया? वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि पहले से उसकी औलाद, कम से कम ये धड़का तो खत्म हुआ कि वो मुझसे औलाद के लिए शादी कर रहा है। लेकिन उसे बताना तो चाहिए था हमें। वो बताए ना बताए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारी इस पांच बेटे के लिए ना औलाद वाला ही है जो ब्याह कर ले जाए। देखो मारो, पांच होना अल्लाह की तरफ से है, लेकिन औलाद होकर उसको छुपाना इंसान की बदनीयती है। किसका फोन है? सईद का है, तड़प रहा होगा वजाहतें देने के लिए। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, कल वो आएगा मैं खुद बात करूंगी उससे। अम्मा, तुम्हें लगता है वो आएगा? आएगा, जरूर आएगा। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि वो कहीं नहीं भागेगा। क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है। माँ,